गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं को एक संगी होता जो अपने कविता बना के रोजी रोटी चलाता तो हम नहीं मानते कि तो रोजी रोटी वाला व्यक्ति था। कोई भजनी होता भजन बना करके अपना दुनिया को रिझाने के लिए ऊट पटांग बना ली, कविताएं बना ली और रागनी बना ली हो, तो उनको भी हम नहीं विश्वास कर सकते थे। अब पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी आए, कपड़ा बुनकर अपना काम चलाते थे और प्रवचन करने का कोई पैसा नहीं लेते थे, नाम दान का कोई पैसा नहीं लेते थे, बल्कि अपने पल्ले से जितना भी सामर्थ्य शेष बचते थे उनके पास धन, उसका भंडारा कर देते थे। तो ये भी नहीं कह सकते कि कबीर परमेश्वर ने ये गाने बजाने कुछ अपने रोजी रोटी के लिए किए हों। ये भी नहीं कह सकते गरीबदास जी के 1300-1400 एकड़ जमीन थी आज से 250-300 वर्ष पूर्व के गरीबदास जी ने भी कोई ऐसा अपने रोजगार के लिए कोई ऐसा ही ऊटपटांग कथाएं बना ली होंगी। परमात्मा को देखा, परमेश्वर इनको आकर मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा और सभी ब्रह्मांडों में परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को घुमाया, अपने सामर्थ्य से परिचित करा और फिर गरीबदास जी ने इस जीव की सती थी और जो क्रियाएं ये कर रहा है उसके ऊपर बहुत अच्छा विचार दिया। क्या कहा है, ये सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, ये लोहे के साथ ताव जात है, ये मनुष्य जीवन लोहे जैसा ताव जा रहा है, एक बार ये हाथ से छूट गया फिर बहुत पछताना पड़ेगा आपको। तीन लोक और भवन चतुर्थ सब जग सौदे आही, अर दोगुने तिगुने करे चौगुने। वो तो साहूकार होगा जो दोगुने तिगुने चौगुने बना लेगा इस मूल धन से, और किन्हु मूल गवाही, और जो सत्साधना नहीं करते उन्होंने अपने मूल धन का नाश कर लिया, मनुष्य जी उनको व्यर्थ कर दिया। आपका सौभाग्य है कि आपको ये मार्ग मिल रहा है आपके ऊपर, चाहे किसी कारण से भी आप यहाँ आए हैं। मान ले कोई दुखी है, सुख तो यहाँ होगा ही होगा, ये तो आप ये दृढ़ निश्चय कर लेना कि यहाँ आने के बाद आपको सुख ही सुख होगा। अब इसमें समय लगता है, कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल हो। अब यहाँ जब आप आओगे सुख तो आपको होगा ही होगा, आपके लिए वो दुख वरदान बन जाएगा जो दुख आपको यहाँ लेकर आया और परमात्मा की भक्ति करवानी प्रारंभ करवा दी। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं सुख के माथे सिला पड़ो, सुख के माथे सिला पड़ो जो नाम हृदय से जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कबीर परमात्मा कहते हैं इसे हे भगवान इसे सुख का आग लगे जो भगवान ते दूर रखे हमें, चाहे पृथ्वीपति बना डेंदा चाहे मंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना रहे, अगर सत भक्ति नहीं करता वो बर्बाद करे अपने जीवन को, वो कति व्यर्थ कर रहा अपना जीवन। और आप जी जो भगवान की सत साधना कर रहे हो आप तो लूट लूट रहे हो, आप अपने मूल धन के दुगने तिगने चौगने बना रहे हो। और परमात्मा क्या बताते हैं, योदम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही। ये सांस खत्म होंगे, ये दम टूटे, ये सांस पूरे होंगे,
और फिर ये तेरा शरीर पिंड नष्ट होगा, फूंक दिया जा, गाड़ दिया जा, जमीन में दबा दिया जाएगा। अब ये ना सोच के तेरा पीछा छूट गया मृत्यु होते, अब तो तेरे सिर में दर्द प्रारंभ होगा। कई अनजान लोग किसी भी दुख या परेशानी से दुखी होकर सुसाइड कर लेते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा? नहीं, पहाड़ टूटेगा दुख का। फिर तो अगर सुखी भविष्य में होना है तो भी इस परमात्मा के चरणों में दुखी सुखी लगे रहना, और कुछ दिनों में देखना क्या होगा। अब क्या बताते हैं कि उस दरगाह में मार पड़ेगी, परमात्मा के उस दरबार में, धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में तेरे जूते लगेंगे और यम के दूत तेरी बांह पकड़ेंगे, ऐसे जैसे अपराधी को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जो भक्तिहीन प्राणी को ऐसे घसीट कर ले जाते हैं। और जो सद्भक्ति करते हैं वो परमात्मा के विमान में बैठ कर जाते हैं। कई भक्त कहते हैं, जैसे हमारे भक्त उनको सुनाते हैं, समझाते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारी मृत्यु होगी, बुरा हाल होगा, आगे जीव का ऐसा दुर्गति होती है, तो कहते हैं क्या तुम नहीं मरोगे जो भक्ति कर रहे हैं? उसके लिए भगवान कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंह आसन चढ़ कह जाएगा बंदे जात जंजीर, जान में कितना अंतर होगा। जो सत भक्ति कर रहे हैं उनकी मृत्यु मृत्यु नहीं होगी, ये सतकर मान लेना। और जो भक्ति नहीं करते उनकी बुरी दुर्गति होती है मृत्यु के समय, यम के दूत वहां से चल पड़ते हैं उसको लेने के लिए। उसके श्वास जब 50, 100, 200 रह जाते हैं, 1000 उसके आसपास, क्योंकि उन्होंने एक सांस भी नहीं लेने देना, आधे एक सांस बहुत कीमत है, और एक से भी गलती बन गई यम के दूत की, वहाँ कसूती पिटाई होती है, तो वो पहले ही पहुंच जाते हैं कि भी इसका टाइम आ गया। तो फिर क्या करते हैं, उसकी जुबान बंद कर देते हैं और उस सारे शरीर को पैरालिसिस कर देते हैं। अब वो पड़ा पड़ा श्वास चल रहा है, खींच खींच कर श्वास आते हैं ताकि वो आराम से गिन लें। और फिर क्या होता है कि उसको ऐसी बुरी हालत तो दिखाई देती है यम के दूत, और उनको जो डराते हैं वो उसी उसी जीभ निकाल निकाल कर भयंकर रूप करके, और वो जबान बंद हो जाती है, बोल के बता नहीं सकता कि ये न्यू आज कर है, न्यू ये आगे अंदर अंदर कह है, जैसे सपने में दब जाता है इंसान। और वो जब उनकी देख के भयंकर आकृति को इतना डर जाता है, उसकी टट्टी और पेशाब निकल जाते हैं जो भक्ति नहीं कर रखी। और फिर यम के दूत उसको ले करके घसीटते ले जाते हैं। रास्ते में क्योंकि ऊपर बहुत सूक्ष्म लोक हैं और वहाँ पर जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं उनके बड़े सुंदर व्यवस्था होती है खाने की पीने की खूब, तो ये स्वर्ग के साथ से निकलकर न्यायाधीश के पास ले जाते हैं, फिर वहां से इनको नरक में डाला जाता है या जहां भी जिसकी व्यवस्था होती है उसके कर्म अनुसार वहां भेज दिया जाता है। तो रस्ते में वो भक्तिहीन प्राणी, उसको प्यास लगती है, भूख लगती है, गर्मी सताती है, नंगे पैरों ले जाते हैं, तो वहां वो कहता है मुझे खाना खिला दो, या मुझे खाना खिला दो भूख लगी है। कहने लगे नहीं, अब तो तेरी एक बार न्यायाधीश के यहाँ आपको पेश कर देते हैं धर्मराज के, उसके बाद तेरा बक्कल उतारेंगे। ना पानी पिलाते हैं ना खाना खिलाते हैं, बहुत बुरा हाल, फिर उसको नरक में डाल देते हैं, तो अब तू ये गंध खा ले। गुणात्माओं ये सत्कर मान लेना, इन कर्महीन और भक्तिहीन ज्ञानहीन ऋषि महर्षि नकलियों ने ऐसी परिभाषा बदल दी भगवान की कि वो कोई स्वर्ग नहीं कोई नरक नहीं, यही नरक है यही स्वर्ग है। अरे यही तो बात बिगड़ रही है, वो तो भगवान ने निराकार बताए हैं और कहते हैं वेदों में भी निराकार है, वेद तो साकार बता रहे हैं, मनुसदृश बता रहे हैं उसको, तो उन झूठों की बातों पर इब हमने विश्वास नहीं करना। अब नए सिरे से परमात्मा की परिभाषा को हम पढ़ेंगे, महिमा को,
और नए सिरे से फिर इसकी भक्ति करेंगे, हमारा मोक्ष अवश्यमेव होगा। तो क्या बताते हैं, ये दम टूटे पेंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही। उस दरगाह में फिर तेरा जूते लगेंगे। अब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक तो बुरी तरह बांध कर जैसे अपराधी को ले जाते हैं ऐसे पकड़ कर ले जाएंगे, और एक के लिए विमान आवेंगे आपके लिए, आप जी की मृत्यु होगी जब आप सत भक्ति करते रहोगे आखिरी श्वास तक नियम में रहकर, आपका एकदम अचानक शरीर छूट जाएगा। आपको ये नहीं पता होगा मेरी मृत्यु हुई, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई कह रहा है कि आजा भगत सत्संग में चलेंगे, गुरुजी आए हैं। अपन आत्माओं जैसे जो श्रद्धालु आत्माएं होती हैं उनको अपने गुरुदेव के दर्शन की इतनी चाह रहती है, इतनी कसक रहती है, और देखते ही एकदम सतर्क हो जाते हैं गुरुजी के दर्शनों की तरफ, एक टक देखते रहते हैं। जैसे परमात्मा ने बहुत से उदाहरण दिए हैं, जो अच्छी आत्माएं होती हैं जिनकी भक्ति चल पड़ी है उनको विशेष लगाव बन जाता है अपने गुरुदेव से, ये बस की बात नहीं। जैसे हमारी श्रद्धा काल में बनी थी, वहाँ ये भक्ति तपस्या कर रहा था, हम देख रहे थे, तो हम इसको हालांकि ये दूर खड़ा था, हम अपने स्थान पर रह रहे थे, फिर भी उसके ऊपर हम इतने आसक्त हो गए, हम इसके बिना रह नहीं पावा थे, और उस वह कसक हमें इसके साथ यहाँ ले आई और यह हमारी दुर्गति कर दी इसने। ऐसे ही आपके जब अंतःकरण में सफाई आ जाएगी, फिर आपको गुरुजी के अंदर कोई दोष नजर नहीं आओगा, जिसमें जैसा दोष है वैसा ही दोष वो दूसरे में देखता रहता है। तो इस भक्ति से, मंत्रों से, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में इतनी सफाई आ जाएगी कि आपको गुरुदेव जो है, गुरुदेव जी के अंदर एक विशेष कसक बनेगी सभी को जिनकी सत भक्ति चल पड़ेगी, और वो कसक आपको सारे संसार से उल्टा हटा लेगी। वो ऐसा नहीं कि आप घर छोड़ कर यहाँ आश्रम आ जाओगे, नहीं ऐसा नहीं होता। अब जैसे ये बालक फिल्म देखते हैं जो परमात्मा से नहीं जुड़े हैं उनके उदाहरण दे रहे हैं, और वो किसी हीरो या हीरोइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो कहते हैं ये मेरा फेवरेट जो है ना हीरो है, कोई व्यक्ति लड़का कहता है। अब वो उसने कुछ लेना ना देना उसकी एक्टिंग पिक्टिंग पर, वो उस पर वैसे आसक्त हो गया। तो ऐसे ही आप जी के अंदर एक ये अवगुण है, और ये अवगुण अवगुण बन जाएगा, आपके अंदर गुरुदेव के एक एक वचन पर विश्वास होना चाहिए। आपकी बुद्धि नहीं भी काम कर रही है कि जो गुरुदेव वचन कर रहे हैं आप नहीं भी समझ पा रहे हो, तो आपको ये मन में नहीं आना चाहिए ये ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर आप परमात्मा से जुड़े नहीं हो। और पुण्यात्मा और नकली संतों ऋषियों ने इसी का नाजायज फायदा इन श्रद्धालुओं का उठाया कि गुरुजी के वचन पर अविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नकली गुरु नहीं थे, उन्होंने उस भावना का नाजायज फायदा उठा करके पूरे ग्रुप के ग्रुप को काल के मुंह में भेज दिया, करोड़ों की संख्या में भेज रही। और नियम यही है कि गुरु जो बोलेगा वो वचन सही होंगे, वो रोंग नहीं हो सकते, लेकिन वो नकली गुरु थे, उनके नकली वचन थे, और श्रद्धालुओं ने उनको ओरिजिनल गुरु मानकर और उनके वचनों को सत मान लिया, यहाँ मार खा गए। और आज आपने इतने प्रमाण देखकर जो दास आपको दिखा रहा है, और जितने भी वचन बोलता है वो प्रमाण के सिवाय नहीं होते, भले ही प्रमाण कभी ना दिखा पाऊं तो ये समझ लेना चाहिए कि फाइनल है जो दास बोल रहा है। अब आपका अंतःकरण बहुत मलिन हो चुका है ये गलत ज्ञान सुनकर, अब वो कहीं ना कहीं छींट थोड़ी बहुत रह जाती है हमारे अंदर, उस मैल की, उस अज्ञान की,
इस ज्ञान के सुनने से फिर धीरे धीरे वो परत आपकी खत्म होती चली जाती है, फिर भी थोड़ी बहुत रह जाती है। तो अभी आप स्पष्ट नहीं हुआ आपका अंतःकरण, उसको स्वच्छ करो। तो गुरु जी के वचन पर आप जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और यदि आप किसी दूसरे में दोष देख रहे हो, वो आपके अंदर विद्यमान है। जैसे एक चोर के घर एक राह चलता शरीफ व्यक्ति रुक गया, उसने ना पता था चोर है। अब वो व्यक्ति वहां रात्रि में विश्राम किया, सो गया, और चोर जागता रहा कि कहीं ये रात ने उठ के चोरी ना कर ले। और वो भला बद्र पुरुष श्याम को सोया था वो सज्जन, और सुबह उठे आराम थे, क्योंकि उसमें वो दोष था ही कोई नहीं। अब वो चोर सारी रात जागता रहा, क्योंकि उसमें वो दोष था कि कहीं चोरी ना कर ले। तो पुण्यात्मा, हम अपने अवगुणों को जो आप हमारे अंदर है, हम अवश्य दूसरे में देखेंगे, यू ऐसे क्यों देख रहा है, यू ऐसे क्यों चल रहा है, ये वहां कैसे बैठा था। तो ये दोष आप जी में विद्यमान है। तो वो दोष जिसमें नहीं होंगे, उसके अंदर ये दोष, ये विचार उत्पन्न नहीं होते। तो ऐसे ही जब आप अपने गुरुदेव के अंदर निर्दोष दृष्टि से देखने लग जाओगे, किसी भी प्रकार का आपके मन में न्यून भी नहीं आवे, कभी बहुत प्रकार के दोष है काल जो आपको दूर करने के लिए प्रयोग करता है, गुरुदेव से दूर करने के लिए, तो उन सब से आपने बचना है। और एक भक्त की तरह अपने इस जीवन को सफल करना है। तो कहने का भाव ये था कि जब आपका समय पूरा होगा या आपकी भक्ति पूरी होगी, समय आपकी आयु मालिक बढ़ा सकता है यदि आपकी लगन साची होगी। वैसे तो आप ये भी एक आधी घटना देख रहे हो कि कोई भक्त था उसकी मृत्यु होगी, वो भगत नहीं रहा था, ना भगत होता मृत्यु कैसे हो जा 40 साल की उम्र में, क्योंकि परमात्मा ने देख लिया कि अब ये ज्ञान तो ग्रहण हो गया, और ज्ञान ग्रहण होने के बाद भक्ति भी कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके जो सुख गणे हो जाते हैं, तो उस सुख में एकाधा आप जो है मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हो, लोक लाजमा के, और आपको कोई घटना भी नहीं घटती, आपको कोई हानि भी नहीं होती, तो आपके हौसले बढ़ते चले जाते हैं। और आप परमात्मा से दूर हो लिए, क्योंकि आपके अंदर कोई दोष था पहले, उस दोष से आपका कनेक्शन कट गया, और फिर आप गलतियों पर गलती भी कर रहे हो, नियम भी तोड़ रहे हो, फिर भी हानि नहीं हो रही, उसका कारण क्या होता है। जैसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं और वो कोई गलती करते हैं तो वो टीचर उनको धमकाता है, खुरकाता है, टाइट करता है, ऐसे गलती नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हारे थप्पड़ मारूंगा, ये 100 तरह की जैसे उस तरीके होते हैं सीधा करने के। और जब वो बच्चे टीचर के द्वारा उनको धमकाया जाता है, खुरकाया जाता है, और आगे से वो अपना कार्य ठीक कर कराते हैं और सुधर कराते हैं, तो सफल हो जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं। और जो बच्चे गुरुदेव धमका देता है, खुरका देता है कि तू क्यों ऐसी मर्यादा भंग करते हो, और वो फिर अंदर में दोष पैदा कर लेते हैं, तो उनका नाम कट जाता है, उनका कनेक्शन कट जाता है। जो बच्चे स्कूल से दूर हो गए, स्कूल में आना बंद कर गए विद्यालय में, तो फिर वो चाहे गधा पर बैठ कर घूम रहे हो, चाहे कहीं कुछ भी बकवाद उपवाद कर रहे हो, टीचर का उससे कोई लिंक नहीं रहता। टीचर स्कूल से जा रहा होता है और वो विद्यार्थी जो विद्यालय छोड़ गया अपनी नालायकी से, और वो कहीं शरारत कर रहा था, टीचर नहीं छेड़ता उसको, बोलता भी नहीं, क्योंकि उसके वो ट्रीटमेंट में कोई नहीं।
तो पुण्यात्माओं, आप जब तक आपका मार्ग सही जुड़ा रहेगा परमात्मा से, नियम जुड़ा रहेगा, कनेक्शन जुड़ा रहेगा, तो आपको झटके लगेंगे। आप जरा सी भी कोई उक चूक करने की चेष्टा करोगे, आपको तुरंत झटका लगेगा, आप सावधान रहोगे। और ऐसा नहीं हो रहा है और आप गलती भी कर रहे हो तो सोच लेना कि आपका कनेक्शन कट गया, आपका नाम कट चुका है भगवान के दरबार से। फिर आप चाहे कितनी बकवाद करियो, क्यों, आपने उस दौरान जो पुण्य कर लिया इकट्ठा, कोई 2 वर्ष, कोई 4 वर्ष, कोई 3 वर्ष, कोई 5 वर्ष, ऐसे भी हमने देखा, 3, 4, 5, 6 वर्ष यहाँ ठीक भक्ति करते रहे, फिर एक थोड़े से दोष के कारण अपना कर्म बिगाड़िए, वो चले जाते हैं। अब वो ये कहते हैं कि हमने कोई आपत्ति नहीं आई, 3 साल हो गए हमने नाम छोड़ दिया। अपने आत्माओं, ये सारा रहस्य जब आपका समझ में आ जाओगा, फिर ना ये बात आपके मुंह पावे। अब जैसे आपने 2-3 वर्ष जो भी सत्साधना की, वो पुण्य आपके डिपॉजिट हो गए। और ये कल आपको बताया था कि एक श्वास उस श्वास की कीमत कितनी है, सतनाम की, सतनाम पालड़ रंग हो रही हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंग हो रही हो, 3 लोग पासिंग धरे रंग हो रही हो, तो ना तुले तुला राम रंग हो रही। तो उन्होंने मर्यादा में रहते हुए और सच्ची श्रद्धा इस दास में और भगवान में रखते हुए, जो सत साधना, सच्चे नाम, वो नाम के जाप करे, धन या दान किया, तो वो पुण्य आपके इकट्ठे हो गए, वह कमाई बन गई। अब वो कमाई आपको हो सकता है 100 वर्ष भी ना समाप्त हो, और आप कति भक्ति भी ना करियो, चाहे और चाहे वो मंत्र जाप भी करते रहियो जो दास ने दे रखे, उन मंत्रों का फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप का कनेक्शन कट चुका है। और आप ये सोच रहे हैं मैं गुरुजी के दर्शन करने भी नहीं जाता, सत्संग में भी नहीं जाता है, और ना कोई दान धर्म कर रहा हूँ, मेरे ठाठ हो रहे हैं, वो तो पिछला स्ट्रोक है आपका। और जिस दिन वो स्ट्रोक खत्म होगा, फिर दिखाऊंगे तेरी दुर्गति हुई। ऐसे देखे हमने जो 4-4 वर्ष नाम छोड़ गए थे, 4 वर्ष बाद आए और उनकी वह दुर्गति हो रही, फिर दोबारा नाम लिया और 2-3 वर्ष तक उन पर कोई आपत्ति नहीं आई। तो पुणात्मा इन सारे पॉइंटों को समझ के, इन सब केंद्र बिंदुओं पर आपने बार बार विचार करते रहना होगा। इसलिए सत्संग में बुलाया जाता है, आपको ये याद दिलाई जाती है। तो जब आप यहां से शरीर छोड़ोगे तो आपको एक आवाज आएगी आपके जाने पहचाने चेहरे की, और वो कहेगा कि गुरुजी आगे, आप एकदम शरीर में से निकल कर बाहर आओगे, कहाँ है गुरुजी, क्यों रहे। आपको इस दास के रूप में परमेश्वर खड़े दिखाई देंगे, और फिर जैसे सोपन होता है ऐसा बन जाता है, कहाँ जा रहे हो, कि सत्संग है गुरुजी, जा रहे हैं, आजा चलना है, कि हाँ चलेंगे भाई, और बैठ के गाड़ी में और सतलोक को रवाना। सतलोक में जाकर देखेंगे, वहां तो कई दिन पाछे याद आओगे, हम मर गए, कई दिन पाछे याद दिवाओगे कि देख वहां था तू उस गंध में, अब यहां कहाँ आ गए, सतलोक में आ गए पापा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की जो लीला है, परमात्मा जो हमें लाभ दे सकेगा, उसके ये फार्मूले हैं। अब जैसे यहाँ हम देखते हैं कई सेवा में पेट भर उनको उठा के लेना पड़ा, कहा जाओ दर्शन हो है गुरु जी, और वो पाछे तो आओगे आँख मसलते, क्यों अंधे खा के धड़ी पक्का सो जाए, उनने भगवान से के लेना देना। तो ये ऐसे व्यक्ति फिर यहीं रह जाएंगे, बेशक वो भगत दिखाई दें, जहाँ नाम भी ले रहे हैं और जाते हैं सत्संग में टाइम पास करें, ऐसा कोई लाभ नहीं। तो क्या बताते हैं, आए हैं सो जावेंगे राजा रंक फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीरे। अब मृत्यु तो हमारी भी होगी, पर हम फिर ना मरे, और जो भक्ति नहीं करते वो असंख्यों बार मरेंगे, और पता नहीं के जुल्म उनके ऊपर सितम होगा, कि बताते हैं क्या होगा। ये दम टूटे पिंडा फूटे लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी यम पकड़ेंगे बाही।
वादन की मोय डरनी लागे लज्जार अकनाही, नर नारायण देहे पाके तू फेर चुरासी जाही। नर नारायण, अब ये जो शरीर है कहते हैं परमात्मा ने आपको अपने जैसा रूप दिया और ये नर नारायण देही पाके हैं। परमात्मा जैसा ये शरीर प्राप्त करके तू फिर 84 लाख योनियों में जा रहा है, धिक्कार है तेरे जीवन को। जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जा मन मरण मिटाही। अब यहां पर एक विशेष पॉइंट दिया है कि अभी आप भक्ति भी करते हो और कई कहते हैं हमने गुरु भी बना रखे हैं। अब कहते हैं जा सतगुरु पे मैं बलिहारी, जो जन्म मरण के रोग की औषधि रखता हो, जिसके पास जन्म मरण की समस्या समाधान हो। जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जा मन मरण मिटाही। और फिर क्या बताते हैं, जब तेरी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद क्या होगा। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही। यानी कुल के लोग जंगल में ले जाके तो दिन ना ठोक जराए। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही, बांध पिंजड़ी अग धर लिया मरहट को ले जाही। अग्नि लगा दिया जब लंबा फूक दिया उस ठाही। अब कुल के लोग सारे इकट्ठे हो गए परिवार के आसपास के अपने जो एक कुल के सभी व्यक्ति, और मरते ही कहते उठाओ उठाओ चलो, और मरघट पहले जाकर के शमशान घाट में फूक दिया। अब शरीर समाप्त कर दिया अपने हाथों और जीवात्मा चली गई अपने कर्म आधार पर जहां भी उसने जाना है। अब पीछे फिर क्या ड्रामाबाजी शुरू होती है। अब कहते हैं पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पड़ाई। नरसेती तू पशुआ की जय फिर गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहां मन बोरे की ते कुरड़ी चरने जाई। अब क्या करते हैं, वैसे विशेष करिए शहरी लोग या ब्राह्मण लोग या अन्य कुछ लोग क्या किया करते थे, हमने तो अपने परिवार कुल में कितने देखे नहीं है गरुड़ का पाठ कराते, लेकिन कुछ एक व्यक्ति अवश्य कराते थे और पहले ज़्यादा कराते होंगे। तो क्या करते हैं कि मरने वाला मर गया, फिर पंडित जी जो उनका कुल गुरु होता है वो आता है, वो कुल गुरु आता है और 7 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ करता है। गरुड़ पुराण के अंदर बहुत ही मार्मिक ज्ञान दिया हुआ है कि जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है उसके साथ ऐसा ऐसा होता है, जो ऐसे कर्म करता उसका हाथ कटता है, जो ऐसे कर्म करता उसकी वो अंधा होता है, जो ऐसे पाप करता उसका पुत्र मरता है, जो ऐसा करता है उसको आगे नरक में इतना दुखी किया जाता है, जब शरीर छोड़कर जाता है जो भक्तिहीन प्राणी फिर आगे ऐसे ऐसे कष्ट उसके ऊपर होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि मरने के बाद तो तुम गरुड़ पुराण पढ़ाओ उसके उपलक्ष में। वो गरुड़ पुराण तो उसको पहले पढ़ाना चाहिए था जिंदे जी, ताकि वो इन बातों को समझता और बुराई से बचता, पाप ना करता, शुभ कर्म करता, डर के चलता। और अब वो जा चुका है सारे कर्म फोड़ के, अब तुम गरुड़ पुराण का पाठ करवाने लग रहे हो। वो किता गदा बन के बोरे ढोन लग जाएगा, वो जा चुका है और तुम गरुड़ पुराण का पाठ कर रहे हो। क्या बताते हैं, अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही, प्राण उठा फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पड़ाही। नरसेती तू पशुआ की जय गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे है कित कुरड़ी चरने जाई। ओहो पुणात्मा, वही बात है कि आप जी इतना ज्ञान सुनते हो और कुछ ही देर के बाद फिर वैसा ही हो जाता है स्वभाव। ये आपका दोष नहीं,
यहाँ की व्यवस्था ये काल की हुई है। जैसे कितना ही गहरा पानी हो और स्वच्छ जल हो, उस पर भी काई आ जाती है, उसको हिलाते हैं तो स्वच्छ जल प्राप्त रहता है, हिलाना बंद करते ही वो फिर उसको ढक लेती है। ऐसे ही अब ये सत्संग के माध्यम से आपके ऊपर वो तीनों गुणों का जो दबाव है वो हिलाकर हटाया गया है, और जो गहरा जल ज़्यादा होता है उस पर काई कम होती है, और जो गहरा कम होता है वो तलत नीचे से लेकर ऊपर तक एक हो जाता है, उस पर कोई असर नहीं होता इन वचनों का। तो उसके लिए क्या समाधान है कि उसके लिए फिर उसमें जल ज़्यादा होना चाहिए। वो जल अधिक कैसे होगा उसकी यांत्रिक का बता रखा कि यहाँ यो सामण सा वर्ष है परमात्मा की वाणी का, ये झड़ लगता है यहाँ पर। जो अत्यधिक सत्संग सुनेंगे उनके अंदर वो जल बढ़ता चला जाएगा, फिर उनकी भी कुछ दिनों में यही स्थिति हो जाएगी। जल अधिक हो जाएगा यानी भक्ति कर्म अधिक हो जाएंगे, शुभ संस्कार बढ़ जाएंगे, तो फिर ये सत्संग के वचनों का बहुत देर तक प्रभाव बना रहा करेगा। तो आप ये ज्ञान सुनते हो, अब तो आपके हृदय में एक विशेष कसक हो रही है क्योंकि आप पुण्य आत्मा हैं। लेकिन जिसके संस्कार अभी कम हैं, शुभ संस्कार इतने नहीं बने हैं, उनको 10 मिनट के बाद सत्संग के उसी टाइम वही विचार वही भाव, नून ओले तनमरा गद्दा क्यों दाब लिया है, आड़े क्यों बैठा है, नून ले जाए बालक ने, ये गंध फिर अंदर से उगजन लग जाएगा। और कुछ दिनों के बाद आपके अंदर इतनी शीलता आवेगी, ये बातें याद ना रह के आपको अपनी चिंता सताने लग जाएगी। और जब आदमी भगवान से डरने वाला होगा फिर वो इस तरह की बकवाद नहीं करता, मेरे गद्दे पे क्यों बैठ गया, कि बिजली पड़गी पाट गया तो भगत तो है। तो हम वही गंध भर लिए फिरते हैं, लेकिन यहाँ आने से सत्संग सुनने से भक्ति के बढ़ जाने से ज्ञान का अत्यधिक समा जाने से भक्ति की ज़्यादा कमाई हो जाने से ये बकवाद अपने आप हट जाएंगी। और तरीका है कौन, यहाँ आओगे तो ये बातें आपको सहारा बहुत देंगी, परमात्मा के वचन हैं। तो ये क्या बताते हैं, आपके हृदय में कचोटी हो जानी चाहिए, जैसे टेंशन हो जाकर इंसान को के बनेगी है भगवान, ऐसा जुल्म होगा। अब जैसे क्या बताते हैं, नरसे तीतु पशुआ की जय गद्धा बल बनाई, ये छप्पन भोग कहाँ मन बोरे है कित करुणी चरण जाई। दे परमात्मा ने के जरूरत थी आवाज लगाने की, अब ये गाना नहीं है, ये रोना है आपके समक्ष। ये परमात्मा जैसे किसी का दुर्घटना हो जाती है घर में, किसी का बालक मर जाता है युवा, फिर वह माँ रोती भी है और ऐसे गाकर रोती है, लेकिन वो गा नहीं रही, वो रो रही होती है। तो ऐसे ये जो मालिक के गायन हैं ये गाने नहीं हैं, इन पर तबले बांध ले हैं, हारमोनी बांध लेते हैं और फिर ला 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 का गाते, वो नहीं, हम गाते नहीं, हम रोते हैं आपको सुनाते समय। तो ऐसे ही आपके हृदय में ये कसक होनी चाहिए। अब भगवान क्या बताते हैं, नरसे तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये छप्पन भोग कहाँ मन बोरे हे कुरड़ी चुरने जाई। ओहो, आज हम मनुष्य जीवन में है कितना सुंदर आहार करते हैं, कितने पवित्र पदार्थ खाते हैं, घी दूध सेब संतरे काजू किशमिश लड्डू जलेबी बर्फी बालूशाही और भाई रोटी बढ़िया कनक की बना के खाते हैं, और अच्छे वस्त्र हैं, खूब गर्मी सर्दी से बचने की व्यवस्था भी आप जी ने कर रखी है, और एक जरा से काम बिना कितना काम बिगड़ेगा। परमात्मा की भक्ति ये दान धर्म ना करने से फिर क्या होगा कि नरसेती नरते तो फिर पशु बनेगा। ओए होए होए, गद्धा बैल बनाई, गद्धे और बैल का जीवन आप देखो, क्योंकि इस दास का जन्म किसान परिवार में होते हैं, खूब परिचित है हम पशुओं से और बैल से, विशेषकर
सुबह से लेकर शाम तक खेत में उसको जोड़ा जाता था, जोता जाता था। अब खेत में हाली लेके जाता बैलों को और बैलों को एक घंटा खेत में काम करते ही भूख लग जाती है और प्यास सताती है उनको। लेकिन 6 बजे जोड़ देते थे गर्मियों में हाली, और 1 बजे उनको जल दिखाया जाता था। 1 बजे यानी 6 घंटे 5 घंटे के बाद उसको जल दिखाया जाता, पी ले जितना पीना अब तूने, और फिर चारा रखा जाता था, अब खा ले जितना खाना। वो खा लिया, वो पी लिया, फिर शाम को 7 बजे उनको जल मिलता था और फिर शाम ने घर आकर के चारा मिलता था, आहार मिलता था। अब उनकी आंखों में पानी, आंखों में पानी पड़े भूख में प्यास में, बोल नहीं सकते, और उसको समय से पहले जल मिल नहीं सकता। नाथ डाल दी, रस्सा हाथ में, लठाड़ी का हाथ में, बकवाद करे तो लठ मारे। तो ये दुर्गति हमने क्यों करवा ली? सत साधना ना करके, यदि हम भक्ति भी कर रहे हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी साधना कर रहे हैं, वो भी व्यर्थ है। अपन आत्माओं कलेजा हिल जाता है ये बातें सुनकर। एक गद्धे के ऊपर पजावे पर प्रयोग करते थे ये कुम्हार लोग, पजावा, और एक भट्ठा लगाते थे ईंटों का कुम्हार, उसको पजावा बोलते हैं, और वो बहुत ऊंचाई 30-30 फुट ऊंचे हो जाते हैं उनकी, क्योंकि और स्थान तो होता नहीं, जो उस राख ने कितने बार डाल दें ईंटे पकाने के लिए, जो ईंधन प्रयोग होता है उसी के ऊपर ही बनाते चले जाते हैं, वो बहुत ऊंचाई हो जाती है। और गधे को नीचे से तो कच्ची ईंटें बोरे में डाल देते हैं गधे के उस थैले में कमर पर, और ऊपर ले जाते हैं 40 फुट की ऊंचाई पर, और वहां कच्ची ईंट उतार देते हैं और पक्की फटाफट उसके ऊपर लाद कर और नीचे को चलता करके और कमर पर डंडा ठोक देते हैं पीछे ने। अब कमर के ऊपर जख्म, अपने आत्माओं आपकी जरा सी खरोंच आ जाना हाथ पे या किसी शरीर के किसी अंग पर, उस पर कपड़ा भी ना सुहावे, कपड़ा भी लग जाए तो भी इतना दर्द हो, आंखों से पानी गिरे, और आज वो मनुष्य जीवन से गधे का जीवन प्राप्त कर वो प्राणी भक्तिहीन, अब वो जख्म हो गए कमर पे, और उसके ऊपर ईंटों से भरा हुआ एक थैला रखा है, वो चलता है तब ईंटें हिलती हैं, ऐसे उसका रगड़ लगती है उस जख्म के ऊपर, और उस गधे के आंखों में पानी, ना चल रहा तो कुमार लठ मारे टांगा पे। अब सारा दिन उसको नहीं चारा भी पूछता, सारा दिन शाम के समय पूरा काम हो लेता है तब उसको जंगल में भेज देता है। अपने आत्माओं आज आपका यह बात जस्ती को ना, आपका ये विश्वास नहीं हो रहा कि यह दुर्गति हमारी हो जाएगी, क्योंकि हम आज अंडी पाक रहे हैं, टिट्टी पाक रहे हैं कति, ठीक है, हमारे ऊपर ये काल के तीनों गुणों का प्रभाव है, हमारा नशा हो रहा है, और जिसका नशा हो जाता है उसको कोई कितना ही कुछ कह ले तुम्हारे घर में चोरी होगी, तेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा हो गया, ठीक हो गया, बस उससे आगे नहीं पूछता वो क्या हो गया, मर गया कि जीव है, क्योंकि उसने सो दिए कोई ना। तो परमात्मा कहते हैं कबीर, ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं, या कुआ बांग पड़ी सबके एक जैसे इंजेक्शन ला रखे तीन, लेकिन परमात्मा की कृपा से इन सत्संग वचनों से आपके ऊपर से इनका असर हटेगा, प्रभाव निष्क्रिय होगा, और आपको ये वचन सुनकर कई घंटे तक तो बेचैनी बनेगी, और बेचैनी के कारण फिर आप भक्ति करोगे, परमात्मा का भजन करोगे, सिमरन करोगे, इधर उधर की बकवादा में बैठ कर समय बर्बाद नहीं करोगे, और जो फिर भी असर नहीं हो रहा उसके, तो उसका पानी अभी कम है, उसके अंदर भक्ति संस्कार पूरे बने नहीं है, उसमें तो फिर वो इलाने से और घना गुल जाती है, वो काई सारा खराब हो जाता है, लेकिन उसने भी निराश नहीं होना चाहिए। सत्संग अधिक सुने,
सिमरन बढ़ा दे अपना, दान धर्म की पूरी चेष्टा करे, कुछ दिनों के बाद देखना कैसे प्रभाव बनेगा, कैसा असर होगा आपके ऊपर। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं, कबीर जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में भलो ना चामे। परमात्मा ने ये आपको कितना सुंदर शरीर दिया, और फिर इसमें जीभ दी है जो कितना अच्छी भाषा बोल सकती है। इस जीवा का यदि सदुपयोग है तो परमात्मा की चर्चा करना, उसके गुणगान करना, उसकी महिमा की वाणी पढ़ना, बोलना और सिमरण करना, इसका यही यूज है। अगर ये नहीं हमने किया तो फिर कहते हैं आगे परमात्मा जीव तो देगा आपको लेकिन आवाज नहीं देगा, आप मुख से बोल कर नहीं बता सकोगे। जैसे आज जरा सी कोई चोट लग जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, परिवारजनों को बताते हैं मुझे पीड़ा हो रही है, तुरंत उठा कर ले जाते हैं और राहत मिल जाती है। फिर हम पशु बन जाएंगे और फिर हम बता भी नहीं सकेंगे हमें पीड़ा कहाँ हो रही है। एक बार हमारे एक बैल था और जो अच्छे हाली होते थे किसान, जो वो वक़्त से उठकर ले जाते थे बैलों को खेतों में जाकर, उनको सूर्य उदय होता था, अपने ठीक ठिकाने पहुंच गए। ऐसे ही सुबह हाली बैल लेकर गया, उसके रास्ते में कितने कोई एक कील चल गई पैर में, पिछले खुरा में, और वो अंधेरे में दिखी को ना, उसका कैप थी को नहीं, वह कील इतनी लंबी कील होती है, इतना चौबा सा, उसके ऊपर की टोपी सी वह कटी हुई थी, और किसी नालायक ने वह रिजेक्ट होने के कारण गली में फेंक दी और वो बैल के पैर में पूरी घुस गई। खुरों के बीच में एक नरम सी जगह होती है, और बैल जल सिगर सिगर चल रहा था, वो अच्छी अच्छी स्पीड से चला करता वो बैल, अच्छा था, तो जल्दी जल्दी चल कर उसके पैर में घुस गई और वो पैर से लंग करने लग गया। अब पहले गांव में देसी बैल होया करते, वो ये कहते थे भाई बैल के पैर की नस पर नस चढ़ जाती है जिस कारण से वो लंग करता है, लंगड़ाता है, तो उसका एक यही ट्रीटमेंट था कि उसने खड़ा नहीं रहने दे, उसको खेतों में चलते रहने से उसके अपने आप नस ठीक हो जाती और ऐसा हो जाता था। इसी दृष्टिकोण से हाली ने उस बैल को सारा दिन काम लिया, रोका नहीं, छोड़ा नहीं कि श्याम तक इसकी नस पर नस चढ़ी हुई ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, श्याम के समय वो घर आया तो तीन पैरों से चल रहा था, सुबह उठा नहीं, उठाने लगे तो मुंह बालिया से मुंह खोल कर लेट गया, आंखों से पानी गिर रहा है और पैर सूज गया, सोज सोजस आ गई ऊपर घुटने तक। इसे देसी वैद्य होया करते, उसने आकर देखा, वो कहने लगा इसके गोड्डे में बा आ गया। अब वो सारा दिन चलने से, डलों के लगने से वो कील तक घुस गई अंदर, उसके ऊपर का तो रेत लग गया और सोजस आ गई सवेरे तक सारे घुट पैर में, तो कील तक लग रही खुर में और ट्रीटमेंट घुटने पे। अब उसका पट्टी बंध गोड्डे पे और चोट लग रही, उस कील लग रही, दर्द हो रहा खुरों में। अब वो बोल के भी नहीं बता सकता, वो नालायक प्राणी जो कभी मनुष्य जीवन में था, बकवाद करे था, इन सोची भी ना होगी या दुर्गति हो जाएगी मेरी। तो पुणात्माओं, पहले तो हम भी ऐसे ही थे, ये घटना भी होती थी पर असर नहीं होता था। परमात्मा की कृपा से अब ये हृदय में दर्द बनता है इन बातों का, हमारे ऊपर जो नशा था उस काल के अज्ञान का, तीनों गुणों का, वो कम हो गया और ये बातें अब नींद नहीं आने देती काफ़ी देर तक, जब वो घटना याद आ जाती है। और फिर इन बातों को याद करने से सिमरण घना होता है, अन्य बकवादों से उल्टा हटता है, चोरी ठगी बकवाद रिश्वतखोरी, इससे आदमी का अपने आप हाथ सिकुड़ जाता है। लेकिन ये असर थोड़ी देर रहता है,
अच्छी आत्मा उसका एक दिन, दो दिन, दस दिन रहेगा। और फिर बार बार ये ज्ञान सुनने से, अंदर भक्ति प्रवेश हो जाने से, फिर सदा के लिए जो दर्द आपको याद रहेगा, और आप बुराई नहीं करोगे, भक्ति में कभी भी आलस नहीं करोगे, सत्संग में आने पर भी अरुचि आपको नहीं बनेगी। ये एंटीबायोटिक आपको इसलिए खिलाए जाते हैं। अब फिर क्या बताते हैं, नरसे तीतु पशुआ की जय गद्धा बैल बनाई, ये छप्पन भोग कहाँ मन बोरे कि तो कुरड़ी चरने जाई। और फिर क्या बनेगा, परेचला पैजा बिराजे पितरो पिंड भराई, बहुर सराद खान को आए काग भये कलिमाही। अपने आत्मा हर एक तरह का परमात्मा हमें निर्णय दे रहे हैं कि इन अज्ञानी अनाड़ी ऋषि संतों ने पहले तुम्हारे पूर्वजों को भूत बनवा दिया, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 30 में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास चले जाते हैं। जैसे विष्णु जी की पूजा करने वाला विष्णु लोक में, शिव जी की पूजा करने वाला शिव के लोक में, जो पितरों को पूजते हैं वो पितर बन जाते हैं, और जो भूतों को पूजते हैं वो भूत बन जाते हैं। अब श्राद्ध निकालना, पितर पूजा करना, ये सारा ही शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं। श्राद्ध निकालना भूतों की पूजा, पितरों की पूजा है, इससे आप क्या बनोगे, पितर या भूत बनोगे। अब परमात्मा कहते हैं राम रमेशो राम है, देव रमेशो देव, और भूत रमेशो भूत बनेगा, और समझो ज्ञान सुरभेव। तो यहां क्या बताते हैं कि प्रेत शिला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई, भूत बनकर प्रेत शिला पर जा बैठे, और फिर पितरों के आपके पिंड भरवाए गए, और पिंड जब भराए गए फिर श्राद्ध निकाले, श्राद्ध निकालते हैं तो क्या कहते हैं कि वही तेरा पिताजी यही आपके मकान पर विद्यमान है, आप अपने पिताजी के भोग के लिए ऊपर कुछ आहार रख दो। अब छत पर आहार रख देते हैं, जो पंडित बनाता श्राद्ध निकाले उस दिन ऊपर रख देते हैं, फिर कौवा आता है, कौवा बड़ा तेज होश है, सब पक्षियों से पहले भाग कर आता है, आते ही वो कौवा फिर उस श्राद्ध के अन्न को खाता है, और वो गुरुदेव कहता है देखो तेरे पिताजी को भोग लग गया, हो सकता है वो कौवा बन गया हो। अपुन आत्मा जिस समय मृत्यु हो जाती है पिताजी की, फिर वो क्या करता है कि तेरहवीं करो, कौन गुरुजी कहते हैं तेरहवीं करो, तेरहवीं कर दी। फिर नो कहेगा इसका पहले तो बहुत मुंडा पंगा था, आए महीने प्रत्येक महीने जो है ना इसका महीना बनाओ, पंडित जी आवे अपना दड़ी पक्का खावे आपा बनावे बढ़िया गिच मालक है, और कह दिया तेरे महीना हो गया पूरा, फिर एक वर्षी बनाओ, एक वर्ष तक तैनो, फिर वर्ष वाले दिन वर्षी बनाओ, और वर्षी के बाद फिर नो कह इसके श्राद्ध शुरू कर दो, साल में एक बार जिस तिथि को वो मरा तो आसौज के महीने में 16 दिन सेलेक्ट कर लेते हैं, उन 16 दिन में जिस तिथि को मरा हो उस दिन फिर वो क्रिया करो। अपने आत्मा फिर ये कहा कि पिंड भरवा का हो तेरे पिता की गति हो जाएगी, मृत्यु के उपरांत कहा कि तेरे पिताजी की अस्थियों को उठा करके फूलों को और गंगा में प्रवाह करवा के आओ विधिवत, वहां ब्राह्मणों से तेरे पिताजी की गति हो जाएगी, पहले तो फूल उठाए हुआ गति करवाई गंगा पर जाके, फिर पितरों के पिंड भरवा दे गति होगी, और ईवनों के श्राद्ध निकालो ऊपर छत पर तेरे पिताजी का भोग रख दो, और कौवा खा गया देख तेरा पिताजी कौवा बन गया और लग गया ना भोग इसको, अरे तेरा गजब हो, कहाँ से गति कराने लगे थे वह दुर्गति करा के छोड़ दी, कौवा बाप बना दिया। एक बार आदरणीय गरीबदास साहिब जी, एक किसान परिवार में इनका जन्म था,
और वहाँ के भोले वाले व्यक्ति वैसे कम ही विश्वास करते थे उस समय उस मालिक की वाणी पर, क्योंकि सभी ये आन उपासना थी और अशिक्षित थे। तो एक 10-20 जो भी उनके से संपर्क में आए, उनसे एक भगत से कहा कि भाई तू कल क्यों नहीं आया, क्योंकि वो डेली जाता था दर्शन करने के लिए, गांव का ही था। वो कहने लगा, गुरुदेव कल मेरी माँ का श्राद्ध था। अच्छा भाई, क्या किया कि पंडित जी आया था, उसने भोजन बनाया और फिर मेरी माँ को भोग लगा, कौवा बन गई, ऊपर कौवे को खिला, और कल भी नहीं आऊँगा गुरुदेव में, कल मेरे पिता का श्राद्ध है। गरीबदास जी रोज बताया करते, भाई इनमें कुछ ना रखे, श्राद्ध श्रुद्ध मत निकालियो। लेकिन समाज का प्रभाव दबाव इतना, गुरु के वचन पर कम विश्वास बनता है। तो अगले दिन उसके पिता का श्राद्ध था। अच्छा भाई ठीक है, गरीबदास जी कहने लगे, भी एक काम करना, कल जब तेरे पिताजी को भोग लगा दे वो पंडित, श्राद्ध निकाल ले, फिर ऐसा करना कि दो व्यक्तियों का खाना तू ले आना फिर। अच्छा जी, अब उन्हें सोचा गुरुजी भी खाते होंगे और बांट देंगे प्रसाद को। अब उन माता जी का तो पहले दिन हो लिया, पिताजी का अगले दिन करना था। उसने जब पंडित जी ने सारी क्रिया कर ली और छत पर कौवे को भोग लगा दिया पिताजी को, फिर दो व्यक्तियों का खाना लेकर वो व्यक्ति लड़का वो व्यक्ति गुरुदेव के पास आ, गरीबदास जी के पास छुटानी, वहीं का था उसी गाँव। कहने लगे, लो गुरुदेव आपने दो व्यक्तियों का भोजन मंगाया था। कहने लगे गरीबदास जी, मेरे साथ चल। अब वो भोजन लेकर उनके साथ साथ खेतों में चले गए, उन्हीं के खेतों में गरीबदास जी लेकर गए। वहाँ एक छोटा सा तालाब था, खेतों में एक छोटे से तालाब बना दिया करते, जगह जगह पशुओं के पानी पीने के लिए उसको जोड़ी बोला करते, जोड़ी, और उसके आसपास झुंड हो जाते थे, झाड़ बोझड़े बन जाते थे, और उनमें ये गिद्दड़ वगैरह खरगोश वो छुपे रहते थे, पानी वहाँ पी लेते थे और उनमें वहीं पर अपना सह परिवार रहा करते थे। उस जोहड़ी से, उस तलैया से 100 फुट दूर बैठ गए गरीबदास जी और उसको कहा कि भाई ये भोजन को खोल ले, वो बांध रखा था कपड़े में, और आवाज़ लगाई उसके माता और पिता का नाम लेकर, जैसे भी उनका नाम था उनसे पुकारा कि आ जाओ, जैसे पिता का नाम झंडू और माँ का नाम बतेरी, के झंडू और बतेरी आ जाओ, तुम्हारा बेटा भोजन लाया, भोजन खा लो। एक गिद्दड़ और गिद्दड़ी वो दोनों भागे आए और वहाँ खड़े हो गए। अब गरीबदास जी ने कहा, बेटा यह तो तेरी माँ हरियो तेरा पिताजी, इनको खुआ भोजन। वो भोजन दर दिया, वो खा गए एक मिनट में, वो लीला थी मालिक की। अब उसको समझा, उसका तो समझ में आ गई ये हैं तेरे माता पिता, अब कब तक के खिलाओगे इनको तू यहाँ पर, ये इनको छोड़ अपने कर्मों के रहम पर, और तू और फिर ये गिद्दड़ गिद्दड़ी बनेगा जा ये क्रिया करता रहा तो उस व्यक्ति की एकदम वो श्रद्धा बन गई कि हे भगवान हम तो सचमुच गलती कर रहे हैं। पंडित जी तो कहे था तेरे माता पिता छक गए, ये तो भूखे पड़े भाई। अब क्या बताते हैं, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब पहले तो बहुत बुरा हाल था, अब इतना करण लग गया कि जैसे एक गुड़गांव में वाड़ी पे जाते थे बाल उतरवाने के लिए, नवजात शिशु बेटा होता है बेटी, और वहां जाते थे, पहले प्रथम बाल वहां
चढ़ाका करते दुर्गा माता के, गुड़गामिया वाली माता के, और वहां क्या करती बुढ़िया ले जाती अपनी पुत्र वधु ने और उस पोते ने छोटे से ने, और जाकर वहां कहती नाई होते थे वहां पर बाल काटने वाले, और उस नाई को कहती ले रे नाई के बाल काट दे माता का चढ़ाऊंगी। अब वो करता कैची कच 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 दूरित बनाता, पहले इतनी लंबी लंबी आरती पहले तो कैची भी और डालगी। अब बुढ़िया क्या कहती रे भाई नाई के देख मेरे पोते का कच्चा सिर से कच्चा सिर है, कैची ना लग जाए इसके, ध्यान तेरे कति ध्यान तो देख देख। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।